है दे आर वेलकम टू सीरीज ऑफ़ तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री एम कंचन एंड वी आर लर्निंग क्लास सेवेंथ हिस्ट्री सो अभी तक हमने नॉर्थ इंडियन किंगडम साउथ किंगडम्स और दक्कन किंगडम्स के बारे में पढ़ा एंड वी हैव सीन दैट मोस्टली किंगडम्स को ओवर थ्रो किया था फॉरिन रूलर्स ने फॉरन रूलर्स ने उन पर अटैक किया था तो आज से हम इन्हीं फॉरन रूलर्स के बारे में जानेंगे ठीक है सो टूडेज लेसन इज अबाउट अरब्स एंड टर्किश इन्वेजन्स अगर आपको इन लेसन्स का पी चाहिए या फिर एग्ज़ाम्स रिलेटेड कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप यू पी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए पेड ग्रुप्स हैं जिसमें आपको टेस्ट सीरीज और जीएस मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा फर्दर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं ठीक है और भी अगर आपके पास कोई क्वेरीज़ है क्वेश्चंस हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं सो so, स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन अरब एंड टर्किश इन्वेज़न्स तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आई हैव प्रोवाइडेड हेयर सम क्वेश्चन ओके रिलेटेड टू दिस लेसन ओनली तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जो जब ये टर्म्स आएंगे लेसन्स में तो वहाँ पे वो टॉपिक बहुत ही ध्यान के साथ पढ़िएगा ठीक है so सो दैट लेसन के लास्ट में आप इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाए सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मोहब्बत बिन कासिम वॉज सेंट टू डैश तो मोहब्बत मोहम्मद बिन कासिम को कहाँ भेजा गया था ठीक है कहाँ लड़ाई करने के लिए भेजा गया था इनको तो ऑप्शन है आपके सिंध दिल्ली या घोरी सेकेंड क्वेश्चन है महमूद ऑफ घजनी डिफीटेड डैश द रूलर ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी तो पहला है ऑप्शन जयचंद जयपाल या राज्यपाल तो महमूद ऑफ ऑफनी ने किस हिंदू शाही डायनेस्टी के राजा को हराया था ठीक है तो जब हम महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा थर्ड है सोमनाथ टेम्पल वॉज प्लंडर्ड बाय महमूद ऑफ गजनी इन देखिए बहुत ही आम, बड़ा इंसिडेंट हुआ था इंडिया में महमूद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल में बहुत ही लूटपाट करी थी तो ये लूटपाट जो हुई थी ये जो आक्रमण हुआ था ये कब हुआ था ये डेट इम्पॉर्टेंट है तो आपके ऑप्शंस हैं ये जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद ऑफ घोरी वॉज डिफीटेड बाय तो मोहम्मद ऑफ घोरी को ठीक है फर्स्ट बैटल जो हुई थी तराइन की किसने हराया था ठीक है घियासुद्दीन या पृथ्वीराज फिफ्थ क्वेश्चन है कमांडर ऑफ मोहम्मद ऑफ घोरी वॉज डैश कुतुबुद्दीन एबक बलबन या नसीरुद्दीन तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस लेसन में आगे मिल जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन सो द रज़ एंड ग्रोथ ऑफ़ इस्लाम हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री प्रॉफिट मुहम्मद वॉज द फाउंडर ऑफ़ इस्लाम जो प्रॉफिट मुहम्मद थे वो इस्लाम के फाउंडर थे ठीक है इस्लाम ग्रीव अप इन द डेजर्ट्स ऑफ अरेबिया अरेबिया में इस्लाम क्या हुआ बहुत ज़्यादा इस्लाम का डेवलपमेंट हुआ वहीं से यह ऑरिजिनेट हुआ इट्स फर्स्ट कन्वर्स वर द अरब तो जो अरब्स थे वो उन्होंने ही सबसे पहले इस्लाम को अपनाया था द अरब्स मेड इस्लाम अ पावरफुल फोर्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ एशिया सो इस्लाम को स्ट्रेंथन किया था पर्शियंस ने और इसको एक्सटेंड किया था वेस्ट और ईस्ट में टर्कीज़ ने जितना भी इसका इस्लाम का प्रचार और प्रसार है ये किया था टर्कीज़ ने ठीक है तो अब देख लेते हैं टर्की और अरब अरब है कहाँ ये है टर् तर, टर्की और यह है अरब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं कि अरब्स ने सिंध और मुल्तान को कन्क्वेस्ट कर लिया था तो सिंध और मुल्तान कहाँ पे है ये पाकिस्तान में है सिंध यहाँ पे है और मुल्तान यहाँ पे है ठीक है सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अरबस कंक्वेस्ट ऑफ सिंध एंड मुल्तान तो ये कन्क्वेस्ट हुआ था सात सौ बारह ए डी में ठीक है तो इंडिया और अरबस के जो कमर्शियल कॉन्टेक्ट्स हैं वो काफ़ी लंबे समय से हैं एंड देयर वर मैनी कॉजेज़ फॉर द कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध तो अरबस ने सिंध पे कन्क्वेस्ट क्यों किया देखिए एक तो ये यहाँ के जो रिच पोर्ट्स हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिड थे और ये अपना जो पॉलिटिकल और रिलीजियस कंट्रोल है वो इस पूरे प्लेस में चाहते थे ठीक है दे वांटेड देयर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंट्रोल ऑल ओवर देयर सो दे वर ऑल्सो एंग्री विद द रूलर ऑफ़ सिंध ये सिंध के रूलर से काफ़ी ज़्यादा एंग्री थे क्योंकि इन्होंने सिंध के रूलर को एक काम दिया था ये बोला था कि आप ज़रा चेक कीजिए जो हमारे शिप्स को जिन समुद्री लुटेरों ने लूटा है वो कौन है ठीक है तो ये काम करने में सिंध के रूलर फेल हो चुके थे और इसीलिए इस बात से भी अरब काफी ज्यादा नाराज थे सिंध से तो ये सारे रीजन हैं सिंध को कन्वेस्ट करने के तो इस काम को करने के लिए किसी को अपॉइंट किया गया था वो थे मोहम्मद बिन कासिम सो इनको भेजा गया था इराक के गवर्नर के द्वारा उनका नाम था अल हजाज ठीक है तो अल हजाज इराक के गवर्नर थे और इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था विद द परमिशन ऑफ कालिफ वालिद तो कालिफ उनके लिए यूज किया जाता है जो वहां के रूलर होते हैं तो अब मोहम्मद कासिम सिंध आ चुके थे सो उन्होंने दाहिर दाहिर कौन थे दाहिर थे सिंध के रूलर तो इनके अगेंस्ट एक बैटल लड़ी थी उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ तो रेवार और जो सिंध के रूलर हैं वो इस लड़ाई में हार चुके थे और इसीलिए फिर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कैप्चर कर लिया ही ऑल्सो कैप्चर्ड मुल्तान साथ ही साथ इन्होंने मुल्तान को भी कैप्चर कर लिया था और मुल्तान से काफ़ी ज़्यादा वेल्थ इन्होंने लूटी थी ठीक है और इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड कहा था ओके नो लेट सी द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो मोहम्मद बिन कासिम थे उन्होंने जब सिंध और मुल्तान को कंक्र कर लिया था तो इस एरिया को सिंध और मुल्तान के एरिया को उन्होंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्स में डिवाइड कर दिया था इन डिस्ट्रिक्स को बोला जाता था इकताज ठीक है ये है आपका इकताज सो so, अरब मिलिट्री ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड एज हेड्स ऑफ द इकतास तो हर इकतास के लिए एक मिलिट्री ऑफिसर्स होता था और ये मिलिट्री ऑफिसर अरब से ही आते थे ठीक है नाउ लोकल हिंदू ऑफिसर्स वर अलाउड टू एडमिनिस्ट्रेटर द सब डिवीज़न ऑफ द डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्स भी कुछ डिवीजन में बटे हुए थे तो इन डिविजन्स के जो ऑफिसर्स थे वो हिंदू ऑफिसर्स थे ठीक है और या फिर कोई नॉन मुस्लिम्स भी इन डिविजन्स के ऑफिसर हुआ करते थे लेकिन इन नॉन मुस्लिम्स को एक टैक्स देना पड़ता था अरब्स को जिसका नाम है जिजिया ठीक है सो द अरब्स हैड इम्पोज जिजिया ऑन नॉन मुस्लिम्स ये एक तरह का टैक्स होता है एंड ऑफ मोहम्मद बिन कासिम तो मोहम्मद बिन कासिम का रूल ख़त्म कैसे हुआ देखिए आपको पता है ये इंडिया आए थे सिंध में आए थे कालिफ वालिद की परमिशन से ठीक है तो कालिफ़ वालिद के बाद जो सक्सेसर वहाँ पे आए जो नए कालिफ़ आए वो थे सुलेमान और सुलेमान बड़े दुश्मन थे किसके अलहज़ाज़ के जो उस वक्त गवर्नर थे इराक के तो इरा तो अलहज़ाज़ का भी काफ़ी बड़ा हाथ था उन्होंने ही सजेस्ट किया था मोहम्मद बिन कासिम को भेजने के लिए तो सुलेमान को अलहजाज पसंद नहीं थे तो इनके द्वारा भेजे गए मोहम्मद बिन कासिम भी नहीं पसंद थे तो इन्होंने क्या किया था मोहम्मद बिन कासिम को डिसमिस कर दिया था ठीक है और बाद में इनको जेल में डाल दिया डाल दिया गया था मेसोपोटामिया की जेल में और फिर इनको टॉर्चर किया गया था और बाद में इनकी मृत्यु हो चुकी थी तो सिंध और मुल्तान रिमेंड पार्ट ऑफ़ कालिफ्स अम्पायर फॉर मोर देन वन फिफ्टी ईयर्स तो एक सौ पचास साल से ज़्यादा टाइम तक सिंध और मुल्तान जो थे कालिफ्स के ही अम्पायर में थे लेकिन धीरे धीरे बाद में इनकी जो पावर है वो डिक्लाइन हो चुकी थी अब बात करते हैं एंड ऑफ मोहम्मद बिन कासिम की बात हम कर चुके हैं उसके बाद हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ अरब कन्क्वेस्ट जो कन्क्वेस्ट हुआ था अरब्स का ठीक है उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ था देखिए अरब ने जब सिंध को कंक्वैर कर लिया था और तो तभी से इंडिया में इस्लाम के जो आने के चांसेस हैं वो बढ़ चुके थे ठीक है और अरब ने इंडिया से बहुत कुछ सीखा था बहुत कुछ लर्न किया था वो क्या क्या सीखा था इन्होंने इंडिया से वो था एडमिनिस्ट्रेशन करने का आर्ट एस्ट्रोनॉमी सीखी थी इन्होंने म्यूज़िक पेंटिंग मेडिसिन आर्किटेक्चर ठीक है ये सारा कुछ अरब्स ने हमारी ये इंडिया लैंड से सीखा था न इंडियन फ़िलासफ़ी न्यूमिरल्स एंड एस्ट्रोनॉमी वर आल्सो टेकन टू यूरोप बाय द अरब्स तो अरब्स के द्वारा ये सारे जो फ़िलासफी वगैरह इन्होंने यहाँ से सीखी और बाद में यूरोप तक उसको इस्प्रेड किया था ठीक है उसको एक्सटेंड किया था उसके बाद हमने बात कर ली है अरब इन्वेज़न की अब बात करते हैं टर्किश के इन्वेज़न की ठीक है यानी कि टर्किश का जो आक्रमण था इनका एक्सपेंशन था वो कैसे हुआ था कब हुआ था तो इनका एक्सपेंशन हुआ था एट्थ से नाइन्थ सेंचुरी के बीच में दे वर मोर एग्रेसिव देन अरब्स ये अरब से भी ज़्यादा एग्रेसिव थे और जो काम अरब्स का आधा छूट गया था वो पूरा नहीं कर पाए थे वो बाद में एक्सटेंड किया था टर्किश ने तो अरब्स ने तो सिर्फ सिंध और मुल्तान में कैप्चर किया था लेकिन टर्किश ने बियॉन्ड सिंध और मुल्तान भी क्या किया था अपनी टेरिटरी को एक्सपांड किया था अब बात करते हैं महमूद ऑफ खजनी महमूद ऑफ खजनी कौन थे तो घजनी घजनी कहाँ पे है ये अफगानिस्तान में है ठीक है पहले यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर आपको अफगानिस्तान दिख रहा है और यहाँ पे क्या है आपका घजनी सो so, घजनी के जो रूलर थे वो थे सबुक ठीक है एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय इस्माइल और उनके बाद कौन आ, कौन राजा आए वो थे इस्माइल तो इस्माइल को डी कर दिया गया उनके भाई के द्वारा और वो ही भाई जिन्होंने इस्माइल को डी थ्रोन कराया था वो कौन थे वो ही थे द फेमस महमूद ऑफ गजनी ठीक है in तो उन्होंने इंडिया पे आक्रमण यानी कि महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया में आक्रमण किया था एक हजार एडी में एंड ही वॉज द फर्स्ट टर्किश इन्वेडर ठीक है आपके पहले टर्किश इन्वेडर जो थे वो थे महमूद ऑफ घजनी नव महमूद डिफीटेड जयपाल महमूद ने सबसे पहले जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी ठीक है उनके रूलर जयपाल को हराया फिर फतेह दाऊद ऑफ मुल्तान एंड अनंतपाल ऑफ नागरकोट इन लोगों को हराया एंड ही आल्सो क्रश द चंदेलास, द रूलर ऑफ मथुरा कन्नौज एंड ग्वालियर तो काफ़ी uh, सारे रूलर्स को इन्होंने हराया और उनकी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था सो महमूद इम्पॉर्टेंट एक्सपीडिशन इन हिंदुस्तान वॉज़ अगेंस्ट सोमनाथ टेंपल। तो महमूद का जो सबसे बड़ा आक्रमण कहें या जो इन्होंने सबसे बड़ी लूटमार करी थी वो करी थी सोमनाथ टेम्पल में टेन ट्वेंटी फाइव ए में ये आपका सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है दिस इज सिचुएटेड एट द कोस्ट ऑफ कथियावार ठीक है लेट मी शो यू दिस इन मैप ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कोस्ट ऑफ कथियावार ओके सो यहीं पे इस इसी के आसपास आपका जो सोमनाथ टेम्पल है वो सिचुएटेड है सो एज अ रूलर ऑफ कथियावार राजा भीमदेव एंड हिज़ फॉलोवर फ्लेड फ्रॉम द प्लेस जब इन्होंने महमूद ने वहाँ पे आक्रमण किया तो वहाँ के राजा थे जो कथियावार के वो और उनके जितने भी फॉलोवर्स थे वो वहाँ से भाग गए तो इसीलिए महमूद ने मंदिर में कब्जा करा और बहुत सारी लूटमार करी और फिर वो गजनी वापस चले गए ठीक है ही रिटर्न टू घजनी विद अ रिच बूटी विच एक्सीडेड ट्वेंटी लाख दिनार्स ठीक है तो दिनार क्या होता है ये अरब्स की करेंसी को हम दिनार कहते हैं जैसे इंडियन करेंसी रुपी है वैसे ही उनकी करेंसी दिनार है तो वो ट्वेंटी uh, लाख दिनार से भी ज्यादा जो पैसा है वो यहाँ से पैसा या जो भी कहीं ट्रेजरी यहाँ से लेके गए थे ना एक राइटर थे सर हेनरी एलियॉर्ट उन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया और उसमें उन्होंने बताया था कि मुहम्मद ऑफ गजनी ने इंडिया में सेवनटीन एक्सपेडिशन किए यानी कि सत्रह आक्रमण किए थे लूटमार इतनी बार की थी और महमूद ऑफ गजनी वाज वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर्स ऑफ एशिया ही वॉज़ अ ग्रेट पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर तो वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर थे आर्ट और लिटरेचर के एंड ही पेट्रोनाइज इस्कॉलर्स लाइक फिरदौसी एंड अलबनी अलबिरनी तो फिरदोसी और अलबिरनी किसके टाइम पर थे ये थे मुहम्मद ऑफ़ घजनी के टाइम पर और इनके बहुत बड़े फ़ैन थे मुहमद ऑफ गजनी ठीक है एंड ऑफ़ गजनी रूल तो घजनी के रूल का एंड कब हुआ देखिए इन इंडिया महमूद वर वीक सो अलाउद्दीन हुसैन ऑफ घोरी देखिए यानी कि महमूद ऑफ गजनी के जो सक्सेसर थे जो इनके बाद रूलर्स आए वो बहुत ज्यादा वीक थे तो इसलिए उनपे किसी और राजा ने आक्रमण किया वो राजा कौन थे वो थे अलाउद्दीन हुसैन ऑफ घोरी ठीक है और उन्होंने गजनी में बहुत सारी लूटमार करी और उसको जला दिया सो बाई इलेवन एटी सिक्स एडी द पावर ऑफ़ द हाउस ऑफ गजनी डिक्लाइन एंड दैट ऑफ घोरी रोजअप तो घजनी के बाद जब इनकी पावर डिक्लाइन हुई तो फिर किन का राइज हुआ घोरी का सो so, घजनीज के बाद जिनका रूल स्टार्ट हुआ वो थे घोरीज ठीक है तो मुहम्मद अफ घोरी इन मुस्लिम इन्वेडर्स में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे घोरी कहाँ पे है ये एक माउंटेनियस रीजन है घजनी और हैरात के बीच में ठीक है ये हार्ट नहीं है हैरात है सो so, घजनी और घोरी दोनों ही अफगानिस्तान में है मोहम्मद ऑफ घोरी ने इंडिया में अटैक करना स्टार्ट किया एलेवन सेवेंटी सिक्स ए में और इन्होंने कैप्चर किया सबसे पहले मुल्तान को और ऊंच को ऊंच पाकिस्तान में है सो ही सब्जुगेटेड लोअर सिंध आल्सो 1182 एटी टू में सिंध का कुछ पार्ट इन्होंने सब्जुगेट कर लिया था उसके बाद 85 में ही इन्वेडेड पंजाब एंड कैप्चर्ड द फोट्रेस ऑफ सियालकोट तो सियालकोट को इन्होंने कैप्चर कर लिया पंजाब में आक्रमण किया और साथ ही साथ 1186 एटी में ही इन्होंने लाहौर को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था तो इतने जब ये आक्रमण कर रहे थे इंडिया में तो उसके बाद इनका सामना होता है पृथ्वीराज चौहान से जो कि है इंडियन रूलर ठीक है तो जब मोहम्मद ऑफ घोरी ने 1189 में भटिंडा के फोर्ट्रेस को कैप्चर किया ठीक है और पृथ्वीराज के किंगडम में भी ये काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहे थे तो उसके बाद फर्स्ट बैटल होती है तराइन की कब होती है इलेवन नाइन्टी वन ए डी में मोहम्मद ऑफ घोरी और, और पृथ्वीराज के बीच तो इस लड़ाई में पृथ्वीराज जीत जाते हैं और जो भटिंडा का फोर्ट्रेस मोहम्मद ऑफ घोरी ने कैप्चर कर लिया था उसको वो रिकवर कर लेते हैं उसके बाद कुछ टाइम बाद सेकेंड बैटल होती है तराइन की ये सेकेंड बैटल भी मोहम्मद ऑफ घोरी की होती है किसके साथ पृथ्वीराज के साथ ठीक है यहाँ पे अब पृथ्वीराज अकेले नहीं थे अभी बहुत सारी अदर जो राजपूत रूलर्स थे इन्होंने और पृथ्वीराज ने एक कंबाइंड फोर्स बना ली थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मोहम्मद ऑफ़ घोरी हैं वो इस लड़ाई को जीत गए थे तो सेकंड बैटल जो थी तराइन की वो थी 1192 नाइन्टी की ठीक है सो द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन मार्ग द बिगनिंग ऑफ टर्किश रूलर इन द हार्ट ऑफ हिंदुस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जब राजपूत रूलर्स हारे थे तो उसके बाद से ही इंडियन हिस्ट्री में टर्किश का जो रूल है वो स्टार्ट हो चुका था मुहम्मद अफ घोरी ने अपॉइंट किया था अपना कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक को ठीक है कुतुबुद्दीन ऐबक मुहम्मद अफ घोरी के कमांडर थे राजपूत अपराइजिंग बिटवीन थ्री टू नाइन एट सो देर एंड कुतुबुद्दीन एबक पुट देम डाउन एंड ब्रॉड मैनी ऑफ देर टेरिटरीज अंडर हिज कंट्रोल तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि कमांडर थे मोहम्मद ऑफ घोरी के उन्होंने क्या किया काफ़ी सारे राजपूत्स को डिफीट किया और उनकी टेरिटरी में अपना कंट्रोल स्थापित किया सो डेली वॉज मेड द कैपिटल ऑफ मुहम्मद ऑफ घोरीज टेरिटरी इन इंडिया ठीक है तो इसके बाद ही डेली को इनकी कैपिटल बना दिया गया था बैटल ऑफ चंदवर 1194 एडी में हुई थी ये बैटल सो मुहम्मद ऑफ घोरी मार्ज अगेंस्ट जयचंद्र द ग्रेटेस्ट राजपूत रूलर ऑफ़ कन्नौज हु वॉज हैविंग अ वास्ट पार्ट ऑफ़ इंडियन टेरिटरी अंडर हिज कंट्रोल ठीक है तो जो बैटल ऑफ चंदवार हुई है वो किसके बीच में हुई है मुहम्मद ऑफ घोरी और राजपूत रूलर जयचंद के बीच में हुई है द विक्ट्री ऑफ चंदवार हेल्पड मुहम्मद ऑफ घोरी टू एक्सटेंड फर्दर इन टू इंडिया तो जब इनको यहाँ पे कन्नौज में विक्ट्री मिली तो इसके बाद इनको एक डायरेक्शन मिल गया था इंडिया में और भी ज़्यादा एक्सपेंडेशन करने का उसके बाद इन्होंने बंगाल और बिहार में भी विजय प्राप्त करी मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी वन ऑफ द कमांडर ऑफ मोहम्मद ऑफ घोरी डिस्ट्रॉयड विक्रमशाला और नालंदा यूनिवर्सिटीज जो इतनी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज थी इंडिया में ठीक है जो एनसियन टाइम पे ही इस्टेब्लिश हो चुकी थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था किसके द्वारा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ये कौन थे ये मोहम्मद और घोरी के कमांडर थे ठीक है ये काम हुआ था 1202 से 1203 एडी के बीच सो ही ऑल्सो कैप्चर्ड नादिया इन बंगाल और बंगाल में क्या कैप्चर किया इन्होंने नादिया और बिहार के भी कुछ पार्ट्स को कैप्चर कर लिया गया था डेथ ऑफ़ मोहम्मद ऑफ़ घोरी अब मोहम्मद ऑफ घोरी की जो डेथ है वो इंडिया में नहीं हुई थी देखिए क्या हुआ था कि मोहम्मद ऑफ घोरी घजनी वापस चले गए थे इन ऑर्डर टू चेक हिज सेंट्रल एशियन एनिमीज़ ठीक है सेंट्रल एशिया में भी इनके काफ़ी एनिमीज़ थे तो ये गजनी वापस चले गए थे एंड वहाँ पे इनकी हत्या कर दी गई थी ठीक है इनकी हत्या किसने करी थी बाय सम शिया रिबल्स एंड खोखर्स इन लोगों ने मोहम्मद फ घोरी की वहां पे हत्या कर दी थी ठीक है यह हुआ था ट्वेल्व हंड्रेड सिक्स ए डी में मोहम्मद ऑफ घोरी वॉज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द टर्किश अम्पायर तो टर्किश अम्पायर के जो रियल फाउंडर हैं ठीक है मोहम्मद ऑफ घोरी है मोहम्मद ऑफ घजनी नहीं मोहम्मद ऑफ घोरी है मोहम्मद ऑफ गजनी फर्स्ट थे ठीक है फर्स्ट रूलर थे टर्किश अम्पायर के लेकिन मोहम्मद ऑफ घोरी को रियल फाउंडर माना जाता है क्यों माना जाता है बिकॉज ऑफ हिस वेरियस कंक्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ राजपूत टेरिटरी इन नॉर्थ इंडिया ठीक है क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज्यादा राजपूत टेरिटरीज को एनेक्स कर लिया था इन्होंने बैटल्स लड़ी थी तराइन की दो बार ठीक है फर्स्ट और सेकेंड बैटल्स हुई थी मोहम्मद अफ घोरी और पृथ्वीराज के बीच में सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड नाउ लेट्स सॉल्व अवर क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन इज महमूद बिन कासिम सेंट टू बी या सी घोरी तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया था सिंध में किसने भेजा था कालिफ़ वालिद की परमिशन से इराक के गवर्नर अल हजाज ने भेजा था ओके न क्वेश्चन टू इज महमूद ऑफ़ खजनी डिफीटेड डैश द रूलर ऑफ हिंदू शाही डायनेस्टी तो हिंदू शाही डायनेस्टी के कौन से रूलर को महमूद ऑफ खजनी ने डिफीट किया था ऑप्शन ए जयचंद बी जयपाल या सी राज्यपाल सो करेक्ट आंसर इज जयपाल ओके थर्ड क्वेश्चन है सोमनाथ टेम्पल वॉज प्लंडर्ड बाय महमूद ऑफ खजनी इन तो सोमनाथ टेम्पल में आक्रमण किया था महमूद ऑफ खजनी ने ये इनके वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट एक्सपीडिशन में से था और ये प्लंडर हुआ था 1025 एडी में ठीक है फोर्थ क्वेश्चन इज इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मुहम्मद ऑफ घोरी वाज डिफीटेड बाय तो तराइन का जो फर्स्ट बैटल हुआ था उसमें मोहम्मद ऑफ घोरी हार चुके थे कौन से राजा से ठीक है से सेसुद्दीन से या पृथ्वीराज से ठीक है तो इंडियन रूलर थे पृथ्वीराज चौहान और इनसे इनका फर्स्ट बैटल हुआ था जिसमें मुहम्मद ऑफ घोरी हार चुके थे फिफ्थ क्वेश्चन है द कमांडर ऑफ मोहम्मद घोरी वॉज तो हमने मुहम्मद ऑफ घोरी के दो कमांडर्स के बारे में पढ़ा है लेकिन इन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक बी बलबन और सी नसीरुद्दीन में से करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक अब कुछ और क्वेश्चन हैं इनको भी देख लेते हैं सो प्रॉफ़िट मोहम्मद वॉज द फाउंडर ऑफ तो हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड में ही देख लिया था कि प्रॉफिट मोहम्मद ने फाउंड किया था इस्लाम को ठीक है सेकेंड है मोहम्मद बिन कासिम इनवेडेड सिंध इन डैश ए डी तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब का किया था सेवन हंड्रेड ट्वेल्व ए डी में ओके एक बार आप लोग पॉज करके वीडियो खुद भी ट्राई कर लीजिए ठीक है थर्ड है इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन मुहम्मद ऑफ घोरी किल्ड तो इनकी लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज से और और भी राजपूत रूलर से लेकिन जिनको मुहम्मद ऑफ घोरी ने मारा था वो थे पृथ्वीराज चौहान फोर्थ है मोहम्मद बीन बख्तियार खिलजी कैप्चर्ड नादिया देखिए मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कौन थे ये थे मोहम्मद ऑफ घोरी के कमांडर ठीक है तो इन्होंने नादिया इन बंगाल नादिया कहाँ पे है बंगाल में है फिफ्थ क्वेश्चन है मोहम्मद ऑफ घोरी वॉज कंसिडर टू बी द रियल फाउंडर ऑफ डैश अम्पायर डैश यहाँ पे नहीं है यहाँ पे है ठीक है तो कौन से अम्पायर के ये रियल फाउंडर थे टर्किश अम्पायर के ठीक है सो दीज वर द क्वेश्चन रिलेटेड टू अरब एंड टर्किश इन्वेजन चैप्टर एंड इफ यू लाइक दिस लेसन ठीक है अगर आपको ये लेसन हेल्प कर रहे हैं सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस लेसन विद अदर्स ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग